वहदत इस्लामी हिंद गुलबर्गा की जानिब से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिटर्न क्विज कंपटीशन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें शहर के मुख्तलिफ कॉलेजेस से 20 साल से कम उम्र के 250 से ज्यादा तुलबा तालिबात ने पार्टिसिपेट कर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। इस मौके पर ऑल इंडिया वहदत इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद इलियास मोबिन साहब एज ए चीफ गेस्ट इस कॉम्पिटिशन में तशरीफ लाए थे। ये कॉम्पिटिशन तुलबा तालिबात की सहूलत के लिए उर्दू और रोमन उर्दू लैंग्वेज में रखा गया था। वहदत इस्लामी हिंद पिछले 4 सालों से इस तरह के इस्लामिक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते आ रहा है, जिससे आने वाले जनरेशन को दीनी मालूमात में इजाफा हो सके। आजकल की डिजिटल दुनिया में कम उम्र से ही बच्चे बेहयाई की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे माहौल में इस तरह के कॉम्पिटिशन के जरिए मुआशरे में कुरान और हदीस के पैगाम को आम करना बेहद जरूरी है। इस साल ये कॉम्पिटिशन शहर के सभा फंक्शन हॉल में रखा गया था, जहाँ तमाम तुलबा तालिबात ने रिटर्न कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था और इस कॉम्पिटिशन में जीतने वाले कुल 23 तुलबा तालिबात को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आज के दौर में जिस तरह फिरकापरस्त ताकतें जानबूझकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रही हैं और दीगर मजहब के लोगों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं, ऐसे माहौल में इनके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करना बेहद जरूरी है। वहदत इस्लामी हिंद के तमाम जिम्मेदारों ने गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए प्रोग्राम की डिटेल बताई है और इस कॉम्पिटिशन में जीत हासिल करने वाले तुलबा तालिबात ने खुशी का इजहार कर इस कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करने वालों का शुक्रिया अदा किया है। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको काफी मालूमात हासिल होंगी। दामने मुस्तफा हाथ से छोड़ दे, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। कायद भी मुहम्मद समिसाली है हमारा, अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद आप देखेंगे दुनिया अल्लाह के इताअत वाले निज़ाम के तहत आ जाती है। वो अर्थ के सहरा नशी और चरवाए दुनिया को इमामत के गुर सिखाते हैं और उस वक्त के सुपर पावर समझे जाने वाले रोमन, रोम और फारस, ये दोनों को शिकस्त दे देते हैं। सीरत के इन पहलुओं को जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर 23 साल के इस मुख्तसर सी मुद्दत में इतना बड़ा इनकलाब कैसे बरपा? आपको मालूम होना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता अरब के बद्दू जो देहाती समझे जाने वाले हैं, उनके अंदर वो जिगर, वो शुजात, हौसला कहाँ से आया? आज बड़े बड़े अपने आप को 30 मार खान समझने वालों के अंदर वो हौसला नहीं। हम उस दीन के मानने वाले हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दिया गया, उस दीन के हम मानने वाले हैं जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तालीम दी है कि तुम भले से वो झूठे खुदा हो गैर कौमों के, तुम उनको बुरा भला न कहना वरना वो तुम्हारे रब को, तुम्हारे दीन को बुरा भला कहे। ये तालीम हम मानने वाले हैं। इन्नल्लाह मलाइकतु यसल्लून अलन नबी या अय्युहल लदीन आमनु सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। आका नामदार पर दरूद और सलाम हो। बड़ी अजमत की जात आप से बढ़ के कोई अजीम नहीं हमारे लिए। अभी मैंने कुरान की आयत जो आपके सामने पढ़ी उसका तर्जुमा क्या है कभी गौर किया? अन्नबियु ओला बिल मुमिनीना बिन अनफुसिहिम बिला शुबा। नबी तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी जात पर मुकद्दम है। ये उमर, तुमको मुझसे कितनी मोहब्बत है? कहा मेरे वालिदैन और मेरी जान के बाद मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। कहा तुम मोमिन नहीं हुए, तुम मोमिन नहीं हुए। अल्लाह के रसूल, मैं अपने वालिदैन अपनी जान से पढ़ के आपसे मोहब्बत करता हूँ। कहा अब तुम मोमिन हुए उमर, अब तुम मोमिन, हमारी जान आप पर कुर्बान और ऐसी हजार जिंदगी आप पर कुर्बान। आप चाहे वालिदैन से सुनिए, चाहे स्कूल के टीचर से सुनिए, या फिर आप किसी बड़ों बुजुर्गों से सुनिए, सबका कहना यही है कि आज की नई नस्ल हमारे अपने कहने में नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा
ये इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाए, बता दी जाए कि ये तमाम हल इसके अंदर मौजूद है। हम दूर इसीलिए है कि हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कारनामे जो आप सारी इंसानियत के लिए अंजाम दिए हैं, हम उससे नावाकिफ हैं। माय नेम इज आयशा महवीन एंड आई एम फ्रॉम अलशारे पीयू कॉलेज। मैंने इस वहदत इस्लामी क्विज की तरफ से सेकंड प्राइज हासिल किया है। मुझे इस बात पर बहुत खुशी है और मैं अपने असातिज़ा का और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस यहाँ आने का मौका दिया। और मैं इस इंतज़ामिया वालों की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर क्विज लिखने का मौका दिया और मुझे इनामात से नवाजा। मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि इस तंजीम को अल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इन्हें ऐसे ही मुकाबला जात कंडक्ट करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने इस क्विज़ में जैसा कि सेकंड प्राइज़ हासिल किया है, मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम भी इसमें कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आऊँगी इंशाल्लाह। और मैं गुलबर्गा की दूसरी लड़कियों से भी गुजारिश करती हूँ कि ऐसे मुकाबला जात में हिस्सा लें और अपने दीनी नॉलेज को इजाफा करें। माय नेम इज़ आमिना बिश्रा एंड फ्रॉम नेशनल डिग्री कॉलेज ऑफ साइंस। मैंने वहदत इस्लामी कोर्स में पार्टिसिपेट किया था जिसमें मैं हिस्सा अव्वल पर कामयाबी हासिल की है मैंने, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने की तौफीक अता फरमाई। और इस कमेटी का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा क्विज कंडक्ट किया जिसमें हर तालिबे इल्म मुताला करके इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं क्विज। इसीलिए मैं दूसरी गुलबर्गा की लड़कियों से भी ये गुजारिश करती हूँ कि वो भी इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। और ये कमेटी वालों ने बहुत अच्छा क्विज कंडक्ट किया था, मैं इनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके तमाम दिली जायज मकासिद को कबूल करे और इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरफी अता फरमाए और इनको सेहत कामिला और आजिला नसीब फरमाए। आमीन। Myself Kaif Pasha, student of International School. I have participated in a speech competition organized by Wahdat-e-Islami Hind, and I am very much thankful to members of Wahdat-e-Islami Hind, and I have got first prize in this competition, and I am very much thankful to my teachers who encouraged me and supported me with their motivational words, and I wish for all the members of Wahdat-e-Islami Hind to spread knowledge about Islam and to have more excellence in their life. Aaj badi khushi aur masarrat hui ke Wahdat-e-Islami Shah Gulbarga ki janib se munaqid Seerat un-Nabi sallallahu alaihi wasallam ke muqabala ja, chahe wo taqreeri ho ya tahreeri ho, in mein shirkat karke badi khushi hui. मैं मुबारकबाद देता हूँ वहदत इस्लामी शाह गुलबर्गा के तमाम जिम्मेदारों को और दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला उनकी इन काविशों को कबूल फरमाए, शरफ़ कबूलियत से नवाजे। और इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने तलबा और तालिबात इस मरतबा शरीक हुए थे, आइंदा आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा तादाद में तलबा और तालिबात शरीक होंगे। और दूसरी इस बात की उम्मीद करता हूँ कि इस साल जैसा कि हमने देखा और देख रहे हैं कई सालों से कि मुस्लिम तलबा और तालिबात बड़ी तादाद में शरीक हो रहे हैं, आइंदा इंशाल्लाह जैसा कि अभी सदर साहब ने कहा कि गैर मुस्लिम तलबा और तालिबात को भी इन मुकाबलात में शरीक करेंगे, तो मैं भी दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इनकी इन काविशों को कबूल फरमाए। ये हर साल हम सीरत मुबारक आप सासम की जो पैदाइश का दिन भी है और जिसको पूरी उम्मत मुसलमान पूरे आलम में मनाती है, तो इसी मौके के नस्बत से हमारी जो कमिंग जनरेशन है, आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, इनके अंदर आप सासम की सीरत मुबारक और सईदीन का तारुफ वो हो जाए, उनके इल्म में आए कि सही सीरत क्या थी और कैसे आप सल्लम पूरे दुनिया के भटके हुए जाति जमाती मजाहब के लोगों को एक अल्लाह की तरफ आपने बुलाए थे, पूरे इंसानियत को एक अल्लाह के हुक्म की तरफ बुलाए और पूरे इंसानियत को एक माँ बाप की औलाद के दर्ज दे करके पूरे इंसानियत को पूरे आलम में जोड़ा था, उसके नस्बत से ये रखी जाती है। और बच्चे इसमें पढ़ करके आते हैं, तकरीरी तहरीरी मुकाबले होते हैं और इसके बाद उनको इनामात से नवाजा जाता है। और इस तरह से हर साल हमारा ये प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है और इंशाल्लाह आगे अल्लाह ने ज़िंदगी दिया और हम ये कोशिश जारी रखेंगे और इसके अंदर
आने वाले दिनों में हम इस बात की भी कोशिश करेंगे कि हमारे गैर मुस्लिम बरादरान वतन जिनके अंदर कुछ सोची समझी साजिश के तहत उनमें गलतफहमियां पैदा की जा रही है और ऐसे अनासिर को खड़ा किया जा रहा है जो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, ताकि वो लोग बाज आ जाए। इनके लोगों को हम करीब करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इनके अंदर भी सही सीरत को पेश करें, इनके अंदर भी रहमतुल आलमीन जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए आप रहमत बना के भेजे गए हैं, जो पूरे मनुष्य जाति के लिए भलाई लेकर के आए हैं, पूरे मनुष्य जाति के अंदर वुमन और जो स्त्री जाति है उनके लिए जो आपने पूरे हुकूक के साथ उनको नवाजा है उससे हम आगाही देंगे। इस तरह से प्रोग्राम हम मुस्तकबिल में चलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सीरत क्विज कॉम्पिटिशन रखने में कामयाब वगैरह हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तकरीबन कॉलेजेस से अप्रोच हुए थे जिसमें 33 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन किए और 250 से ज़ायद स्टूडेंट्स ने यहाँ हिस्सा लिए, जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर 10 कंसोलेशन प्राइज मिले, फिर उसके बाद फिर और किसी हमारे हमदर की तरफ से और 10 कंसोलेशन प्राइज वगैरह देखे, जुमला 23 प्राइजेस दिए गए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 4 सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा मकसद ये है कि आने वाली जो जनरेशन है, नई नस्ल है, और उनको हम अल्लाह के रसूल सल्लम की सीरत से अच्छी तरीके से वाकिफ करें। क्योंकि एक ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जलसे होते हैं, तकरीर वगैरह होते हैं, तो मुखरिर सिर्फ अपने मिजाज की बात या फिर अपने जहन की बात बताता है, तो हम चाहते हैं कि डायरेक्ट बच्चे अल्लाह के रसूल सल्लम की सीरत कोई किताब पढ़े और उनको खुद मालूम हो जाएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक अल्लाह से और तमाम बंदों से किस तरीके से था, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के साथ अपना कैसा हमदर्दाना रवैया अपनाएं, जबकि आप फतह मक्का होने के बाद जो 13 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लम के जानी दुश्मन थे, आप तमाम लोगों को माफ़ कर दिए, ला तसरीब अलैकुम अल यौम फरमा दिए। फिर आप देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम की जो सीरत के अंदर हर हवाले से, चाहे वो गुलाम हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे बच्चे हो, हत्ता यहाँ तक के जानवरों तक के भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक बताए हैं कि भी इनका मामला ये है, इनके साथ इस तरीके से पेश किया जाए। जब हमारी आने वाली नस्ल अल्लाह के रसूल सल्लम से, आप सल्लम की सीरत से वाकिफ़ होते हैं, तो तवक्कु है कि उनके अंदर भी अखलाक, ये किरदार पैदा हो जाए और जो उम्मत मुसलमा एक दाई उम्मत है, उनके अंदर ये जज्बा, ये हौसला और ये उमंग पैदा हो जाए कि हम हमारे अपने अखलाक अच्छे रहें और हम पूरे दूसरे इंसानियत तक अल्लाह के रसूल सल्लम का पैगाम आम करें। इसलिए कि अगर किसी को दुनिया और आखिरत के अंदर सुकून, चैन और राहत मिल सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की सीरत में है। आप दुनिया के किसी भी लीडर की सवान हयात, उसकी आप बायोग्राफी, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उसके अंदर या तो कोई अपनी वो नस्ल की बात करते रहता है, या अपनी ज़ुबान की बात करते रहता है, या अपनी जाति की बात करते रहता है, या अपने नेशन की बात करता है। आप अल्लाह के रसूल सल्लम की तारीख़ में आप देख लीजिए, ये तमाम चीज़ों से पाक है। आपने इंसानियत की बात की है, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजे हैं, तो हमारी ख्वाहिश यही रहती है कि हमारे अपने नौजवान नस्ल अल्लाह के रसूल सल्लम की सीरत से वाकिफ़ हों और उस पर अमल करें, और हमारी तवक्कु है कि ये एक इस्लाम के दाई, एक अल्लाह के रसूल सल्लम की सीरत को लोगों तक पहुंचाने वाले बन कर उठें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उम्मीद है कि हमारी अपनी नई नस्ल को उनको बताने की ज़रूरत है, उनको उनके, क्योंकि उनका जहन दूसरी तरफ जब वो चेंज किया गया है, वहाँ पर मसरूफ़ रखा गया है, अगर हम ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और मिलत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, तो उनके एक जज्बा मिलेगा और हमारी नई नस्ल इंसानियत के लिए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए, सब के लिए बायस रहमत साबित वगैरह हो जाएंगे।